नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महिला बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय नरवर के क्षेत्र ग्राम काली पहाड़ी में क्रमांक एक आंगनवाड़ी केंद्र पिछले 9 वर्ष से खुलने का कर रहा इंतजार। फास्ट समाचार की टीम को ग्रामीणों ने बताया, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहता है। यहां क्षेत्रीय बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को केंद्र से कोई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। केंद्र में पदस्थ कार्यरत शशि रावत अपने ही घर से मात्र दलिया खिचड़ी वितरण करती है। केंद्र बंद होने से ग्रामीण दुखी नजर आए। कभी नहीं खुली। कब से नहीं खुला? बस अब तो बनी है, तब से बिल्कुल नहीं खुली। तो बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती? नहीं मिलती। चलेगा तो चलेगा, गांव में दे देते कबों को, ऐसे हमें बच्चे चले जाते ना, घर चले जाओ तो मिल सकते। नहीं, घर पे किसके जाते हो आप, कार्यकर्ता के या सहायिका के? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। अच्छा, आंगनवाड़ी क्रमांक एक है तो ये यहाँ खुलता है या नहीं खुलता है? जी, कभी नहीं खुलता है साहब। कब से नहीं खुला ये? करीबन 9 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोगों को सुविधाएं दी जाती है बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, उसका क्या हुआ? कोई लाभ नहीं मिलता है हमारे बच्चों को ना गर्भवती महिलाओं को। आपके सामने ये जो काली पहाड़ी का मामला रखा गया है आंगनबाड़ी का, तो आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है अभी कि काली पहाड़ी केंद्र बंद रहता है। मैं सोमवार को स्वयं जाके देखूंगा वहाँ पे क्या व्यवस्था में कमी है और उसको दूर करूंगा। नरवर से कमर खान की रिपोर्ट।